इस विधानसभा के सभी साथी इस बात से सहमत होंगे, दिल्ली के अंदर जो विधवा पेंशन आती थी, जो बुजुर्गों की पेंशन आती थी, एक समय था कि लगातार वो पेंशन मिला करती थी और दिल्ली की के बुजुर्ग, दिल्ली की विधवाएं, दिल्ली के सभी लोग जो इस पेंशन के ऊपर आश्रित थे, वो दिल्ली की सरकार का हमेशा आभार व्यक्त किया करते थे। लेकिन 6 महीने पहले जो बुजुर्गों की पेंशन आती है, वृद्धावस्था पेंशन जो आती है, उसमें एक आईजी पेंशन होती है जिसका एक अंश 300 रुपये का, महज 300 रुपये का, 2500 रुपये में से 300 रुपये का अंश केंद्र की सरकार से मिलता है और बाकी 2200 रुपये दिल्ली की सरकार उसका हिस्सा देती है। मतलब कलुषित मन की बात करें या गलत किस्म की सियासत की बात करें, जो भी वजह रही हो, केंद्र की सरकार ने 6 महीने पहले लगभग वो 300 रुपये का जो अंशदान है उनका, उसे रोक लिया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पेंशन दिल्ली के तकरीबन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन जो है रुक गई। और दिल्ली की सरकार का हस्तक्षेप हुआ, वो उस पेंशन दोबारा आनी शुरू हुई। इस विषय पर मैं धन्यवाद प्रस्ताव सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि यह सदन केंद्र सरकार द्वारा अपना निर्धारित अंश न देने के कारण आईजी पेंशन योजना के लाखों लाभार्थियों की 6 माह से लंबित पेंशन को अनथक प्रयासों से जारी करवाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती है। धन्यवाद।